इट्स सेशन टाइम हेलो गाइस, माय नेम इज पूनम। यो वाचिंग रसल खबर। आज हम बात करने वाले हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न के बारे में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। 2003 में हुए WWE रेसलमेनिया 19 में द रॉक के खिलाफ हार के बाद गले और घुटने पर चोट लगने के बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने रिंग को अलविदा कह दिया था। 2019 में अपने पॉडकास्ट में उन्होंने खुलासा किया कि वह शारीरिक तौर पर एक मैच के लिए वापसी के लायक है। WWE लेजेंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की रिंग में वापसी को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर के मुताबिक WWE हॉल ऑफ फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और केविन ओवन के बीच रेसलमेनिया 38 में एक ड्रीम मैच देखने को मिल सकता है। गाइज, क्या आप इस मैच को देखना चाहते हैं या नहीं? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में बताना ना भूलें। आज का वीडियो बस इतना था। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसा लगा, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।